घर में मोर्टार शेल गिरने से एक ही घर के दो सदस्य मारे गए। हम आपको बता दें, एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू यहां इस घर में थे, हम आपको पूरी तस्वीर दिखा नहीं सकते हैं। एक ही परिवार के दो सदस्य मारे गए पाकिस्तानी गोलाबारी में। पाकिस्तान किस तरह यहाँ रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है आप देख सकते हैं। यह तरसेम लाल जी का घर है, आरसपुरा के चंदूचक में रहते हैं। कुछ समय पहले ही यहाँ पाकिस्तान द्वारा दागा गया एक मोर्टार शेल आकर गिरा है और इसमें तरसेम लाल और उनकी पत्नी का देहांत हो गया है। किस तरह से यहाँ इस घर में हड़कंप मचा हुआ है ये आप देख सकते हैं। अभी तक यहाँ पुलिस और प्रशासन नहीं पहुँचा है और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं पूरा एक गांव इकट्ठा हो गया है और हालांकि अभी फायरिंग यहाँ जारी है। बताया ये जा रहा है तरसेम लाल जो है ये सरकारी मुलाजिम है, उनकी पत्नी इनको खाना देने आई तभी यहाँ पर एक पाकिस्तान का मोर्टार शेल आकर गिरा है जिसने इस घर की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी। इस घर में चारों तरफ मातम है, पाकिस्तान द्वारा दागा गया मोर्टार शेल किस तरह यहाँ पर इस घर की पूरा नक्शा बिगड़ गया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, कैसे हुआ ये? सर ये रात की फायरिंग शुरू है, रात की फायरिंग शुरू है, बहुत फायरिंग हो रही है और ये ड्यूटी पर जा रहा था, इसकी बीबी उसको खाना दे रही थी और ये निकलने वाला था और ये चकरोई फार्म में सर्विस करता है तो ये निकलने वाला तब से अनसपा इनके ऊपर ही जो सैलान गिरा और मौके पर इनकी मौत हो गई है। सर पौना घंटा हो गया है और कोई प्रशासन की तरफ से मैंने फोन भी किया है, मैं अक्सर बैंक हूँ जहाँ पंचायत का, मैंने फोन भी किया पुलिस स्टेशन में, अभी तक उनका कोई आदमी नहीं आया। अगर भगवान ना करे और कोई गोला आ जाए तो जहाँ लोगों का क्या हाल होगा, देखो जो गांव वालों की क्या पोजीशन है। पुलिस स्टेशन में फोन किया था 250 200 का, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर कितने लोगों के तरसेम लाल जी हैं? जे ही थे दो ही, बाकी अपने मैंने घरों में, जे सिर्फ सर्वे पे नौकरी करने जाता है तो इसलिए जे बाहर निकला था। देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर लोगों का मातम पसरा हुआ है और यहाँ पर अभी तक लोगों का आरोप है कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन की मदद नहीं पहुंची है। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ है बाजलो, एबीपी न्यूज चंदूचक। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।